गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम जनसंचार माध्यम के बारे में सीखेंगे। जनसंचार अर्थात जनता के साथ अपनी सूचनाओं को, विचारों को, बातों को बांटना, जनता तक उसको पहुंचाना, इसे हम जनसंचार कहते हैं। सबसे पहले हम संचार की परिभाषा और उसके महत्व को समझेंगे। संचार जीवन की निशानी है। मनुष्य जब तक जीवित है वह संचार करता रहता है। यहाँ तक कि एक बच्चा भी संचार के बिना नहीं रह सकता। वह रोकर या चिल्लाकर अपनी माँ का ध्यान अपनी ओर खींचता है। एक तरह से संचार खत्म होने का अर्थ है मृत्यु। वैसे तो प्रकृति में सभी जीव संचार करते हैं, लेकिन मनुष्य की संचार करने की क्षमता और कौशल सबसे बेहतर है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसे सामाजिक प्राणी के रूप में विकसित करने में उसकी संचार क्षमता की सबसे बड़ी भूमिका रही है। अर्थात संचार के बिना जीवन नहीं है। एक छोटा बच्चा भी संचार करता है। जब वह बोलना नहीं जानता, जब उसे भूख लगती है तो वह रोकर अपनी माँ को बता देता है कि उसे भूख लग रही है। इस प्रकार वह संचार करता है, अपनी बात को अपनी माँ तक पहुँचाता है। प्रकृति में जितने भी जीव जंतु हैं वह भी संचार करते हैं। कोई चहक कर, कोई कूक कर, कोई काँव काँव करके एक दूसरे से अपने विचार और अपनी भावनाओं को बांटते हैं, किंतु इन सब में मनुष्य का स्थान सर्वोपरि है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहकर वह अपनी ज़रूरतें पूरी करता है और इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए संचार का होना अत्यंत आवश्यक है। परिवार और समाज में एक व्यक्ति के रूप में हम अन्य लोगों में संचार के जरिए ही संबंध स्थापित करते हैं। अर्थात हम जब अपने परिवार में होते हैं या हम समाज में होते हैं, तब हम कैसे लोगों के साथ अपना संबंध स्थापित करते हैं? अपनी बातों के माध्यम से। रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी करते हैं। संचार ही हमें एक दूसरे से जोड़ता है। सभ्यता के विकास की कहानी संचार और उसके साधनों के विकास की कहानी है। अर्थात जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ वैसे वैसे संचारों का भी विकास हुआ। मनुष्य ने चाहे भाषा का विकास किया हो या लिपि का या फिर छपाई का, छपाई यानी प्रिंट, इसके पीछे मूल इच्छा संदेशों के आदान प्रदान की ही थी। हमने भाषा क्यों बनाई? क्योंकि हम एक दूसरे को समझना चाहते थे, एक दूसरे तक अपनी सूचनाओं को पहुँचाना चाहते थे, अपने भावों को, विचारों को पहुँचाना चाहते थे। इसके लिए हमने भाषा का निर्माण किया। फिर केवल मौखिक से बात नहीं चली तो फिर हमने लिपि का निर्माण किया, अर्थात लिखने की शैली का निर्माण किया। उसके बाद फिर सोचा क्यों ना ये प्रिंट हुआ करें हमारी बातें। फिर हमने छपाई का प्रयोग करना शुरू किया। तो इस प्रकार संदेशों के आदान प्रदान करने की जो हमारी ज़रूरतें थीं उनके द्वारा ही सभ्यता का भी विकास होता गया। दरअसल संदेशों के आदान प्रदान में लगने वाले समय और दूरी को पाटने के लिए ही मनुष्य ने संचार के माध्यमों की खोज की। अब संदेशों का आदान प्रदान होने लगा, लेकिन समय बहुत लग जाता था, दूरियां होती थी बहुत ज़्यादा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पहले जो संदेश भेजे जाते थे, सूचनाएं भेजी जाती थीं, वो कबूतरों के द्वारा, बाज के द्वारा, या कोई दूत घोड़े पर बैठ करके जाता था या पैदल जाता था और तब एक स्थान से दूसरे स्थान पर संदेश पहुंचा करते थे। लेकिन उसमें बहुत समय लग जाता था और शायद इस समय को ख़त्म करने के लिए ही कि जल्द से जल्द हमारी बातें वहां तक पहुंचे जहां हम पहुंचाना चाहते हैं, संचार के माध्यमों की खोज हुई। संचार और जनसंचार के विभिन्न माध्यमों, टेलीफोन, इंटरनेट, फैक्स, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न और सिनेमा आदि के जरिए मनुष्य संदेशों के आदान प्रदान में एक दूसरे के बीच की दूरी
और समय को लगातार कम से कम करने की कोशिश कर रहा है। और आज आप लोग देख भी रहे हैं कि हमने संचार के इतने साधन उपलब्ध कर लिए हैं, जैसे टेलीफोन हो गया, इंटरनेट हो गया, फैक्स हो गया, समाचार पत्र हो गया, रेडियो है, टेलीविज़न है, सिनेमा है। इन सब के द्वारा हम अपने मन की बातों को, सूचनाओं को, विचारों को शीघ्रातिशीघ्र दूसरों तक पहुँचाने लगे हैं। यही कारण है कि आज संचार माध्यमों के विकास के साथ न सिर्फ भौगोलिक दूरियां कम हो रही हैं, बल्कि सांस्कृतिक और मानसिक रूप से भी हम एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। तो ये जो संचार के हमारे माध्यम हैं, इंटरनेट, टेलीफोन, फैक्स, समाचार पत्र आदि, इनके माध्यमों से क्या हो रहा है, केवल हमारे संचारों का विकास नहीं हो रहा, इसके साथ साथ हमारी जो भौगोलिक दूरियाँ हैं वो भी कम होती जा रही हैं। हमारी सांस्कृतिक और मानसिक जो करीबी है वो भी और करीब होती जा रही है, क्योंकि हम एक दूसरे की भाषाओं को समझने लगे हैं, एक दूसरे की संस्कृति को जानने लगे हैं इन संचार के कारण ही। यही कारण है कि आज दुनिया एक गांव में बदल गई है। और संचार के ही कारण क्या हुआ है, एक दुनिया जो पूरी दुनिया थी अब एक हो गई है। संचार क्या है, अब संचार क्या है प्रश्न उठता है, यह है। तो संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है चलना, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना ही संचार कहलाता है। जैसे हवा है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, संचार कर रही है। बादल है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, संचार कर रहे हैं। हम हैं, चलकर जाते हैं तो संचार करते हैं, बातें पहुंचाते हैं तो संचार करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि बात हमारे मुँह से निकल कर दूसरे के कानों तक जाती है, तो ये सब संचार कहलाता है। आपने विज्ञान में ताप संचार के बारे में पढ़ा होगा कि कैसे गर्मी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुँचती है। इसी तरह टेलीफोन के तार या बेतार के जरिए मौखिक या लिखित संदेश को एक जगह से दूसरी जगह भेजने को भी संचार ही कहा जाता है। लेकिन हम यहाँ जिस संचार की बात कर रहे हैं उससे हमारा तात्पर्य दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान है, ठीक है। तो हम जो यहाँ संचार की बात कर रहे हैं फिलहाल, तो वह संचार कैसा है कि दो व्यक्तियों के बीच दो व्यक्ति अपनी सूचनाओं को, अपने विचारों को और अपनी भावनाओं को एक दूसरे के साथ आदान प्रदान कर रहे हैं, बांट रहे हैं। मशहूर संचार शास्त्री विल्बर ट्रेम के अनुसार संचार अनुभवों की साझेदारी है। अर्थात संचार क्या होता है, जो हमारे अनुभव होते हैं वो अनुभव हम जो दूसरों से बांटते हैं वही संचार है। दरअसल एक दूसरे से संचार करते हुए हम अपने अनुभवों को ही एक दूसरे से बांटते हैं। लेकिन संचार सिर्फ दो व्यक्तियों तक सीमित परिघटना नहीं है। संचार के तहत सिर्फ दो या उससे अधिक व्यक्तियों में ही नहीं, हजारों लाखों लोगों के बीच होने वाले जनसंचार तक को शामिल किया जाता है। अब वो कहता है कि पहले संचार सिर्फ दो व्यक्ति में होता था, लेकिन अब क्या होने लगा है कि संचार केवल दो व्यक्तियों में या तीन व्यक्तियों में नहीं होता, बल्कि हम एक साथ करोड़ों लोगों के साथ संचार कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं जनसंचार। इस प्रकार सूचनाओं, विचारों और भावनाओं को लिखित, मौखिक या दृश्य श्रव्य माध्यमों के जरिए सफलतापूर्वक एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना ही संचार है। अर्थात दृश्य श्रव्य का क्या मतलब हुआ, जैसे टेलीविज़न जिसमें हमें दृश्य भी दिखता है और श्रव्य यानी सुनाई भी देता है, ठीक है ना। इस प्रक्रिया को अंजाम देने में मदद करने वाले तरीके संचार माध्यम कहलाते हैं, और हमारे को संचार करने में जो हमारी मदद करते हैं जो उपकरण, वो हमारे माध्यम कहलाते हैं कि हमने इस माध्यम से संचार किया है। संचार के कुछ प्रमुख तत्व हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला, संचार प्रक्रिया की शुरुआत स्रोत या संचारक से होती है, ठीक है। संचार का जो सबसे पहला तत्व है वो कहलाता है स्रोत या फिर संचारक। जब स्रोत या संचारक एक उद्देश्य के साथ अपने किसी विचार, संदेश या भावना को किसी और तक पहुंचाना चाहता है तो संचार प्रक्रिया की शुरुआत होती है। अब सबसे पहला तत्व क्या है, स्रोत। अब मान लीजिए कि मैं हूँ, मैं अपनी बात को कहीं पहुंचाना चाहता हूँ, तो मैं स्रोत हो गया, क्योंकि मेरे से शुरुआत होगी संचार की, क्लियर। सेकेंड है कोटिकृत या एनकोडिंग। दूसरा क्या है इसका तत्व, कोटिकृत या एनकोडिंग कहलाता है। अर्थात इस संचार की प्रक्रिया का दूसरा चरण होता है। सफल संचार के लिए जरूरी है कि आप जिसे संदेश भेज रहे हैं वह आपकी भाषा से परिचित हो।
अर्थात मैं जिस भाषा में, मान लीजिए मैं हिंदी भाषा में अपना संदेश कहीं पहुंचाना चाह रहा हूं, तो मैं जिस व्यक्ति को संदेश पहुंचा रहा हूं उस व्यक्ति को हिंदी भाषा आनी चाहिए, तभी एक सफल संचार हो पाएगा, क्योंकि तभी तो वो उसको एनकोडिंग कर पाएगा, तभी तो वो उसको पढ़ पाएगा, तभी तो वो उसको समझ पाएगा। क्लियर। और थर्ड है हमारा संदेश। संचार प्रक्रिया में जो हमारा अगला चरण है वो स्वयं संदेश का आ जाता है। किसी भी संचारक का सबसे प्रमुख उद्देश्य अपने संदेश को सही अर्थ के साथ प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना होता है, अर्थात इसका सबसे प्रमुख उद्देश्य अपने संदेश को उसी अर्थ के साथ प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना है। अर्थात मैंने जो बात लिखी है वो बात मैं जब अपने मित्र तक पहुंचाना चाहता हूं, तो वह बात बिल्कुल स्पष्ट होकर के सही अर्थ के साथ मेरे मित्र को मिलनी चाहिए। इसीलिए सफल संचार के लिए ज़रूरी है संचारक अपने संदेश को लेकर खुद पूरी तरह से स्पष्ट हो, अर्थात मुझे पहले स्वयं पता हो कि मुझे संदेश में क्या भेजना है, क्योंकि जब मुझे स्पष्ट होगा तो सामने वाले को भी स्पष्ट होगा कि इस संदेश में ये कहा गया है। संदेश जितना ही स्पष्ट और सीधा होगा, प्राप्त करने वाला उस संदेश को उतनी ही आसानी से समझ पाएगा। क्लियर। फोर्थ है हमारा माध्यम, अर्थात चैनल। संदेश को अब जब हम किसी के पास पहुंचाएंगे तो उसके लिए कोई माध्यम तो होना चाहिए ना, कि हमने किस माध्यम से, किस चैनल से उसको पहुंचाया है अपने संदेश को। जैसे दृश्य श्रव्य माध्यम से पहुंचाया है, या तरंगों के माध्यम से पहुंचाया है, या हमने लिखित रूप में पहुंचाया है, अर्थात हमने अपना संदेश टेलीफोन से पहुंचाया है, समाचार पत्र के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, किस माध्यम से हमने संदेश को प्राप्तकर्ता तक पहुंचाया है, इसमें ये होता है। फिफ्थ है, पांचवा जो तत्व है वो है प्राप्तकर्ता या रिसीवर। प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर। प्राप्त संदेश का कटवाचन यानी उसकी डिकोडिंग करता है। अब वो क्या करेगा, प्राप्तकर्ता डिकोडिंग करेगा। डिकोडिंग क्या होता है, संदेश को समझना, अर्थात उस संदेश में क्या अर्थ है उस अर्थ को समझना ही डिकोडिंग कहलाता है। यह एक तरह से एनकोडिंग की उल्टी प्रक्रिया है। इसमें संदेश का प्राप्तकर्ता उन चिन्हों और संकेतों के अर्थ निकालता है। जाहिर है कि संचारक और प्राप्तकर्ता दोनों का उस कोड से परिचित होना जरूरी है, अर्थात हमने जिस भाषा में अपने संदेश को पहुंचाया है वो दोनों को आनी चाहिए, दोनों को उसका अर्थ समझ में आना चाहिए, वो क्या कहलाएगा फिर, हमारा डिकोडिंग कहलाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है फीडबैक। संचार प्रक्रिया की सफलता में फीडबैक की अहम भूमिका होती है। फीडबैक से ही पता चलता है कि संचार प्रक्रिया में कहीं कोई बाधा तो नहीं आ रही। फीडबैक को हिंदी में हम कहते हैं प्रतिक्रिया। जब मेरा संदेश मेरे मित्र तक पहुंचेगा, वो उसको पढ़ेगा, डिकोडिंग करेगा उसकी, उसे समझेगा, उसके बाद वो प्रतिक्रिया करेगा, वो हमें प्रतिक्रिया देगा समझने के बाद। और ये सबसे ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि फीडबैक के द्वारा ही हमें पता लगता है कि संचार की प्रक्रिया पूर्ण रूप से सफल हुई है। अगर उसमें कोई कमी है तो उसे दूर किया जाता है। सातवां जो हमारा तत्व है वो है शोर। संचार की प्रक्रिया में बाधाएं भी आती हैं, शोर भी होता है जिसे नॉइस कहते हैं। संचार की प्रक्रिया को शोर से बाधा पहुंचती है। यह शोर किसी भी किस्म का हो सकता है, मानसिक भी हो सकता है, तकनीकी भी हो सकता है, भौतिक भी हो सकता है। जैसे जब हम कक्षा में पढ़ा रहे हैं सपोज करो, और बच्चा शोर कर रहा हो तो मेरी बात बच्चों तक सही से नहीं पहुंच पाएगी, तो वो शोर है, क्योंकि संचार में बाधा उत्पन्न हो रही है। दूसरा टेलीफोन है। टेलीफोन में कई बार हम बात करते हैं, सामने वाले को हमारी आवाज़ कट कट के पहुंचती है, तो वो जो आवाज़ कट रही है तरंगों के माध्यम से, वो शोर कहलाता है। जैसे समाचार पत्र हैं, पत्रिकाएँ हैं, उनमें मिस प्रिंटिंग होती है, जो छपा हुआ होता है वो सही से दिखाई नहीं देता, हमें पढ़ने में नहीं आता, तो वो शोर कहलाता है। अर्थात बाधा, संचार में जो भी बाधा आएगी, किसी भी तरीके की बाधा, वो शोर कहलाती है। सफल संचार के लिए संचार प्रक्रिया से शोर को हटाना या कम करना बहुत जरूरी है। क्लियर। संचार के प्रकार होते हैं। संचार के
कुछ प्रकार हैं। ये एक जटिल प्रक्रिया है, यानी कठिन प्रक्रिया है, इसके कई रूप हैं। नंबर एक, जैसे कभी आप अपने मित्र को इशारे से बुलाते हैं तो हम उसे सांकेतिक संचार कहते हैं। क्या कहते हैं? सांकेतिक संचार करते हैं ना, कई बार हम लोग इशारे से बुला लेते हैं, इशारे से जाने के लिए कह देते हैं, इशारे से चुप रहने के लिए कह देते हैं। तो इशारों के द्वारा यानी संकेतों के द्वारा जब हम अपनी बातों को, अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं तो वह हमारा सांकेतिक संचार कहलाता है। ये एक प्रकार से अमौखिक संचार होता है। ठीक है, कैसा होता है? अमौखिक, बिना बोले। दूसरा है अंतर्वैयक्तिक संचार। अंतर्वैयक्तिक संचार यानी इंटरपर्सनल संचार। इसके अंतर्गत क्या होता है? इसके अंतर्गत संचार करने वाला स्वयं से बातें करता है। अर्थात जैसे वो कोई योजना बना रहा हो तो वो अपने मन में योजनाएं बनाता है कि कल मैं इस कार्य को इस प्रकार करूंगा, मैं पहले वहां जाऊंगा, वहां से वो चीज़ें एकत्रित करूंगा, हाँ नहीं अगर वो मुझे वहां नहीं मिला तो मैं वहां जाऊंगा। तो यानी हम स्वयं से ही बातें कर रहे हैं ना, अपने विचारों को अपने तक ही पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो ये कहलाता है अंतर्वैयक्तिक यानी इंटरपर्सनल संचार। अगला होता है समूह संचार। क्या होता है अगला? समूह संचार। समूह संचार में क्या होगा? समूह संचार के अंतर्गत कुछ व्यक्तियों के द्वारा, कुछ व्यक्तियों के साथ संचार किया जाता है। चार व्यक्ति, पांच व्यक्ति, दस व्यक्ति, सौ व्यक्ति, ये समूह है और उसमें हम लोग संचार करते हैं, बातें करते हैं, अपने विचारों को, अपनी सूचनाओं को उन तक पहुँचाते हैं, तो वो कहलाता है हमारा समूह संचार। और चौथा होता है जनसंचार। चौथा क्या होता है? जनसंचार। ठीक है, क्या होता है? जनसंचार। जनसंचार में क्या होता है कि बहुत सारे लोगों के साथ एक साथ रेडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, सिनेमा के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से हम लोग संचार करते हैं, अपनी सूचनाओं को, अपने विचारों को एक साथ बहुत सारे लोगों को पहुंचाते हैं इन सब माध्यमों से, तब हम उसे कहते हैं जनसंचार। क्या कहते हैं हम उसे तब? जनसंचार कहते हैं। ठीक है, समूह संचार, इसमें एक समूह आपस में विचार विमर्श या चर्चा करता है। जैसे आपकी कक्षा समूह संचार का एक अच्छा उदाहरण है। इस संचार में हम जो कुछ भी कहते हैं वह किसी एक या दो व्यक्तियों के लिए ना होकर पूरी कक्षा के लिए यानी पूरे समूह के लिए होता है। समूह संचार का उपयोग समाज और देश के सामने उपस्थित समस्याओं को बातचीत और बहुत मुहाबिस के जरिए हल करने के लिए होता है। संचार का सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी प्रकार है जनसंचार, जैसा मैंने अभी आपको बताया, मास कम्युनिकेशन। जब हम व्यक्तियों के एक बड़े समूह के साथ बात करते हैं तो उसे हम जनसंचार कहते हैं। ठीक है ना, तो ये था हमारा संचार। संचार क्या है, संचार के तत्व क्या हैं, संचार के प्रकार क्या हैं। इसके बाद आता है जनसंचार के कार्य, इनको हम अगली वीडियो में समझेंगे और पढ़ेंगे। गॉड ब्लेस यू।